क्या आप भी किसी एक फोल्डर को, किसी भी फोल्डर या फाइल्स को एक क्लिक में ओपन करना चाहते हैं, और फ्रिक्वेंटली यूज किए जाने वाले एप्लीकेशन जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर या अन्य एप्लीकेशन को टास्क बार में पिन करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम दो कंप्यूटर टिप्स ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास, ईजी एक्सेल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज की इस दो वीडियो में हम जानेंगे दो कंप्यूटर टिप्स ट्रिक्स के बारे में जो आपके काम को और भी तेजी और ईजी बनाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंगल क्लिक में किसी भी फोल्डर या फाइल्स को कैसे ओपन किया जाता है। तो उसके लिए करना क्या होगा कि हमें स्टार्ट मेन्यू में जाना है और कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो हो सकता है ये विंडो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार अलग अलग हो, तो ये व्यूज चेंज रहेंगे यहाँ पर। तो व्यूज चेंज रहेंगे तो क्या करना है, राइट कॉर्नर पर जाना है, व्यूज वाइज जो ऑप्शन ये दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करेंगे तो कैटेगरी वाइज मान लीजिए रहता है, पहला ऑप्शन है कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज रहेगा तो इस तरह से आपका दिखेगा व्यू पूरा, ठीक है। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, आप लार्ज में रखें या स्मॉल में। तो लार्ज में अभी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर आपको देखना है फोल्डर ऑप्शन को। तो आप सर्च करते हुए देखेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, तो यहाँ पर F प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर हाईलाइट हो गया है फोल्डर ऑप्शन। फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो ये एक नई विंडो यहाँ पर ओपन कर देगा, ये होगा फोल्डर ऑप्शन की विंडो। तो इस पर हम पहले ही जनरल टैब में, जनरल टैब में हम जाएंगे, सेकंड ऑप्शन क्लिक आइटम एज फॉलो में पहले रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे जो कि है सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, देखिए उसके बाद क्लिक करने के बाद हम अप्लाई करके ओके कर देंगे। और अब हम आते हैं डेस्कटॉप पे, हमने यहाँ पर देखा था इससे पहले कोई भी लिंक ओपन नहीं थी। अभी जैसे ही हम किसी भी फाइल या फोल्डर के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो अंडरलाइन की ये देखिए यहाँ पर लिंक दिखने लगती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी इसमें से हम सिंगल क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ, सिंगल क्लिक मैंने किया हुआ है, ये फोल्डर ओपन हो गया है। अब इस फोल्डर के बने अंदर फोल्डर को भी हम सिंगल क्लिक पे ओपन कर सकते हैं, तो ये फोल्डर ओपन होते ही जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम किसी भी फोल्डर या फाइल्स को डबल क्लिक करके बार बार ओपन करने में हम सिंगल क्लिक का उपयोग करके उसे तुरंत ओपन कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला टिप्स। दूसरा टिप्स जो है हमारा ये है कि हम किसी भी फ्रिक्वेंटली यूज किए जाने वाले एप्लीकेशन को हम अपने टास्क बार में कैसे लाएं। जैसे हमने यहाँ पर गूगल क्रोम रखा हुआ है, ये प्लेयर रखा हुआ है और फोल्डर्स के विकल्प रखे हुए हैं। मान लीजिए हम VLC मीडिया प्लेयर बार बार यूज करते हैं तो इसे हम कैसे इस डेस्कटॉप पे लाएं। अभी देखिए डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं है VLC मीडिया प्लेयर, हमें फिर लाना है। तो हमें जाना है जिस एप्लीकेशन को लाना है उस पर जाना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है माउस से। माउस में थर्ड ऑप्शन दिखेगा पिन टू टास्क बार, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में लगभग दिखाई देता है, सेम विंडो 7 टू ऑनवर्ड आप देखेंगे तो सभी में है। तो पिन टू टास्क बार जैसे ही करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे अपने आप आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से हम इजीली से सिंगल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये थे दो कंप्यूटर के टिप्स ट्रिक्स जो आपके काम को इजीली और तेज़ी से करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टिप्स जो हम बताएंगे वो ये रहेगा कि किसी फोल्डर के अंदर जो भी फोल्डर बना है, अभी देखिए हम फोल्डर के अंदर फोल्डर ओपन कर रहे हैं तो वो एक ही फोल्डर के अंदर ओपन हो रहा है, पर आपको चाहिए कि ये फोल्डर एक सेपरेट फोल्डर के रूप में ओपन हो। तो ये हम अगले पार्ट में बताएंगे या कंप्यूटर टिप्स ट्रिक्स के किसी भी वीडियो में आपको बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।